श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 के आने से अयोध्या पावन हुई राम के आने से अयोध्या पावन हुई हर तरफ हर जगह खुशियां छा गई आओ हम सब करें वंदना राम की जय जय राम जय सियाराम जय जय राम जय जय राम जय सियाराम जय जय राम आस्था तुमसे जुड़ी जो आएंगे अब हम कहां तुमको पूजे तुमको ध्याए कह रहे हम सब यहां कह रहे हम सब यहां कह रहे हम सब यहां राम के आने से अयोध्या पावन हुई राम के आने से अयोध्या पावन हुई हर तरफ हर जगह खुशियां छा गई. That was the young Czech Mark band, a group of youngsters who are now carrying on the generation into the next generation, the story, the legacy, the Aastha of Ram. Welcome to this very, very special coverage here on the News 18 network on Ram Mandir for India, for Bharat. This is Anand Narasimhan. Here, Samvidhan mein Ram hai, Rajy ki Kalpana mein Ram hai, Rom Rom mein Ram hai, Bharat ke Ram hai, Bharat mein Ram hai. Why is it that Ram is so integral to our consciousness? From the Adhyatma or the spiritual perspective, from the civilizational perspective, let's ask some of those who have dedicated their life to the service of Ram and into the world of spiritualism. Aap sabka bahut bahut swagat hai. Sabse pehle Mahant Raju Das is the Mahant of Hanumangadi. So Param Bhakt Ram ke jo Hanuman hai, unhi ke Bhakt Mahant Raju Das, he is with us, he's taken his time. We have Karpatri Maharaj Dharmguru. Namaskar Karpatri Ji, bahut bahut aabhar aapka, thank you so much. And His Grace Sadbhuj Gaurdas, who's the president of ISKCON here in Ayodhya. Hare Krishna sir, thank you very much, thank you for coming. And Dev Shekhar Vishnudas, devotee of ISKCON. Hare Krishna. In your story of ISKCON, also in the Gaur Sampradaya, also it is Hare Krishna, Hare Rama. So Krishna Chaitanya also said Rama and Krishna are together. पर महंत राजू दास जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जब ये नया जनरेशन आपके पीछे हर तरफ खुशियां छा गई, जब बात राम की हो गई, राममय हो रहा है, तो आपको तो अच्छा लग रहा होगा. आप कैसे राम को देखते हैं? पहले तो मैं मंगल कामना करता हूं और हमारे जो अभी इतना सुंदर भजन की धुन में हम लोगों को मदमस्त किया ऐसे कलाकार बंधुओं को ढेर सारा आशीर्वाद. आपके इस नेटवर्क के माध्यम से देश और दुनिया में जहां तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है वहां तक एवं आपके सभी दर्शकों को अयोध्या से जय जय श्री सीताराम बोल बजरंगबली की जय. आपने कहा देश के कोने कोने में हर वर्ग हर समुदाय में राम का आस्था. मैं कहता हूं दुनिया के कणकण में भगवान राम की व्यापकता. दुनिया में रहने वाले सभी सनातनी, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले हों चाहे ईसाईयत के मानने वाले हों, धर्म एक सनातन, बाकी अलग अलग तरीके से जीवन जीने की शैली मजहब के रूप में जिनका जन्म हुआ, आज सुनकर अचंभा होता है कि वो पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जिनकी व्यापकता कण कण में हो, नभ में, थल में, आकाश में, खम्भ में, हम में, तुम में, जड़ में, चेतन में, सब में राम की वास हो, लेकिन पता नहीं कैसे विपक्षियों के मन में रावण का वास हो जाता है. बड़ी तकलीफ होती है भाई, ये सुनकर अचंभा होता है. हमको तो इतनी प्रसन्नता है कि जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ. करपात्री जी बैठे बहुत सुंदर बताते हैं राज्याभिषेक हनुमान जी महाराज का हुआ. कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनु पैसा रे. वो स्वामी प्रसाद मौर्य वाला पैसा नहीं, होत ना आज्ञा बिनु पैसा रे. भाव क्या है कि हमारा भाव सेवा का है, समर्पण का है, त्याग का है. आप समझ सकते हो कि 500 वर्ष, एक दो दिन नहीं, 500 वर्ष. अरे एक दिन होता तो एक दिन में तो तुरंत व्यक्ति का
पलक भर में विचार बदल जाता है, फलाने ने कुछ दे दिया चलो ठीक है वोट हम उसको दे देते हैं, फलाने ने कुछ दे दिया 1 किलो चावल दे दिया तो अपना धर्मांतरण लोग कर लेते हैं, फलाने ने जरा सा तलवार दिखा दिया तो तुरंत धर्मांतरण कर लिया। लेकिन मेरे पूर्वज कितने संघर्षशील थे, सहनशील थे, मठों को छोड़कर, मंदिरों को छोड़कर, भजन पूजा पाठ संध्या को छोड़कर गांव में गलियों में, आपने कहा रामाकृष्णा इस संप्रदाय, आप देखिए विश्व के कोने कोने में रातों दिन एक करके भगवान कृष्ण के धुन में लोगों को नचा रहे। भाव ये है, सनातन ये सिखाता सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतो निरामया। सनातन कभी तलवार दिखाकर किसी के ऊपर हुकूमत नहीं किया, राज नहीं किया। हमारा विशाल हृदय, इस विशाल हृदय की देन सनातन पद्धति है, सनातन संस्कृति है, ऋषि मुनि महात्मा साधु संत मेरे धर्मगुरु पूर्वाचार पूर्वज वेद पुराण शास्त्र उपनिषद, ये जितने जो पूरे विश्व को जोड़ने की पद्धति है, कला है, संस्कृति है, हम लोग तो शुद्ध रूप से एक कलाकार हैं और अपने अपने तरीके से आकर यहाँ पर जिस प्रकार से हो सकता है कार्य कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी निरंतर राम धुन में मदमस्त, इसके नाते आपने कहा कि राम मंदिर का निर्माण आपको कितना अच्छा लग रहा है, सबसे ज्यादा अच्छा तो हनुमान जी को लगेगा क्योंकि हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है। भगवान राम जब साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है, इसलिए हुआ क्योंकि माता सीता ने उनको मानस पुत्र माना था, तो पहले ज्येष्ठ राजघरानों में ज्येष्ठ पुत्रों का ही राज्याभिषेक होता था राजघरानों में, इसके नाते हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। माता सीता जी ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी महाराज को, अजर अमर गुण निधिसुत हो अजरता का अमृत कर पुत्रवत आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को दिया। तो जो राम भक्तों ने एक लौ जलाई थी, साधु संतों ने जो त्याग किया था, स्वयं सेवक आरएसएस के जो कार्यकर्ता बजरंग दल विष्णुपुर इन लोगों ने एक संतों के आशीर्वाद से इनके अंदर जो ऊर्जा आई, उस ऊर्जा का परिणाम स्वरूप है कि आज जब उत्खनन हो रहा था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उस उत्खनन में जब थोड़े दूर पे नहीं लमसम 22 फीट नीचे 24 फीट नीचे 25 फीट नीचे जब उत्खनन में, आपको मैं बता दूं उसका प्रत्यक्ष में साक्षी रहा हूं, इसलिए साक्षी रहा हूं कि हमारे पूज्य बाबा अभिराम दास जी महाराज वहां मूर्ति जब वहां प्रकट हुई थी तो वहां सेवा कर रहे थे, तो हमारे यहां पूज्य धर्मदास जी महाराज एक पत्रकार थे, तो मेरे मन में आया कि मैंने पूछा कि हर 15 दिन पर एक मुस्लिम जज और एक हिंदू जज पहुंचता है, वो क्यों पहुंचता है भाई, तो ये हुआ कि वहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोर्ट का कोई अवहेलना तो नहीं हो रहा है, ये चीज देखने के लिए दोनों पक्ष के पक्षकार के रूप में चीफ जस्टिस वहां पर पहुंचते हैं, मुआयना करते हैं। तो मैंने कहा हमारी भी इच्छा है जाने का, उन्होंने कहा नहीं पक्षकार ही जा सकता बाकी कोई नहीं, तो मैं उनके तरफ से पक्षकार के तौर पे मैं जब गया वहां देखा तो उत्खनन का काम शुरू था, चल रहा था। हमने कहा भाई बाहर तो ये चीज कुछ बताया नहीं जाता है, उन्होंने कहा बाहर ये चीज नहीं जा सकती है क्योंकि अभी कल ही फरमान जारी हुआ है कि यहाँ जो भी उत्खनन कार्य है उसको रोका जाए। आप समझिए उत्खनन कार्य इस कामी क्रोधी लालची घमंडिया गबंधन के लोगों ने उत्खनन कार्य को रुकवा दिया, इसलिए रुकवा दिया क्योंकि वहां से जो उत्खनन में आप बताइए कि 12 फीट 11 फीट 7 फीट 4 फीट 3 फीट कुछ जो स्टोन के पत्थर मिल रहे थे वो एक कलर में नहीं थे, कुछ बलुआ पत्थर था, कुछ शंख मरमर था, कुछ काले पत्थर थे। तो मुझको ये लगता है जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा कि 76 बार लड़ाई हुई, वहां कई बार मंदिर को तोड़ा, कई बार मंदिर का निर्माण हुआ, इससे अनुभूति हम लोग लगा सकते हैं कि कई बार वाकई में मंदिर को विधर्मियों ने तोड़ा। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि सनातन का ये विशाल हृदय है और फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर नहीं मिल रहा है, विगत कई लाख राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। पूज्य कर्पात्री जी बैठे हैं, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे राम की पैरी देखेंगे, आप लोगों ने सुना होगा राम की पैरी खून से लाल हो गई थी। पूछना चाहता हूं मैं, क्या वहां से राम जन्मभूमि की दूरी लमसम 2.25 किलोमीटर है और जिन लोगों की हत्या हुई मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार थी गोलियां चलवाई, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय में वहां से हम यहां से एक पत्थर बहाए तो क्या राम जन्मभूमि पहुंच सकता है क्या? क्या यही राजधर्म है क्या? यही सेकुलरिज्म है क्या? यही पंथ निरपेक्षता है क्या? यही धर्म निरपेक्षता है क्या कि आप निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दिया? पर महान जी
आपने बहुत सारी बातें एक साथ कर दी। अब यह है कि जब जिसके पास ज्ञान का कोश बहुत ज्यादा होता है और उसके साथ साथ आपने तथ्य सत्य साथ में देखे हैं तो बहुत कुछ कहा जाता है। मैं धीरे धीरे एक एक करके एक एक परत पर हम बात करेंगे। कारपत्री महाराज जी, आई लाइक टू कम टू यू और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और एक ये प्रश्न अध्यात्म से जुड़ा है इसीलिए कि राम या भगवान प्रभु श्री राम और रावण दोनों परम शिव भक्त थे। रावण भी बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति थे क्योंकि शिव जी की रुद्र वीणा बनाना और बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण, सभी वेदों का ज्ञान उनके पास था। दोनों भक्ति एक ही इष्ट की करते थे, बट एक धर्मी और एक अधर्मी, ये कैसे और ये क्यों? राम भी शिव के भक्त थे, रावण भी शिव के भक्त था, लेकिन दोनों में खान पान का अंतर था। हाँ, अच्छा। कहूं महीस मानुष धेनु खर खल यज निसाचर भच्छहीं, भैंसा बकरी बकरा मुर्गी मुर्गा ये सब खाता था। कहूं महीस मानुष धेनु खर खल अज निसाचर भच्छहीं, नाना यखार नभी रही बहुविध एक एक न तरजहीं। ये रावण का भोजन था। और हमारे राम का भोजन क्या था? राम शुद्ध शाकाहारी थे। करई आहार साक फल कंदा असुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, खान पान का असर था। और दूसरी बात जो आप पूछना चाहते थे, प्लीज डिफाइन व्हाट इज रामा। हाँ, हु इज राम? हाँ, राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। राष्ट्र मंगल, मंगल इज नोन एज राम। जो राष्ट्र का मंगल सोचे होज पर्सन इज राम। जो ऑलरेडी पूरी भारत माँ को याद करे, विश्व की में याद करे, रिमेम्बर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। राम को राष्ट्र मंगल कहा जाता है। ये जो लोग राम मंदिर पे तमाम प्रकार की बातें बोल रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि राम जो हैं ये राष्ट्र के मंगल के दायक हैं। ये राम मंदिर नहीं बन रहा है, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है। और कल कुछ नेता लोग बोल रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा, बोल रहे थे कि ये राम जी का जो मंदिर बन रहा है इसको सौड़ी में अक्षरम लिखा जाएगा। आप, ये मेरा भाई छोटा जो आपके बीच में बैठे हैं, मैं, हम लोगों ने इसी कंधे पे लाशों को उठाया है, इसी कंधों पर लाशों को उठाया है। रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है यह भी, अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्म भूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। फिर भी हिम्मत न हारे न आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। आप इन लोगों से क्या पूछना चाहते हैं? जो उस युद्ध में नहीं थे, कार सेवा में नहीं थे, वो क्या जानेंगे? शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए, उस विधवा बहन से पूछिए। ये राम हमारे देश के निर्माता हैं। हम मुसलमान भाइयों से भी कहते हैं आप आइए स्वागत है, लेकिन आप रसखान बन के आइए, आप रसखान बन के आइए, आप एपीजे अब्दुल कलाम बन के आइए, आप बीर अब्दुल हामिद बन के आइए, वेलकम है मेरे दिल में। आप तो बन नहीं पाते हैं, तो खंडन मंडन की बात करते हैं, लेकिन आपका भी योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे रामलला में जितने भी सामान मिले हैं ये सब खुदाई से ही मिला है। किससे मिला है? किससे मिला है? खुदाई से तो मिला है। ज्ञान बापी में जो कुछ मिला किससे मिला है? ये भी खुदाई से मिला है। आपकी जन्मभूमि में जो मिलेगा वो भी खुदाई से मिलेगा। हम आपका स्वागत करते हैं। देखिए महंत राजूदास जी, गौड़ जी और देवशेखर जी थोड़ा पेशेंटली बैठे हैं। आई कम टू यू, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। बट महंत राजूदास जी, आई वांट टू आस्क यू, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बजरंगबली हनुमानगढ़ी का की विशेषता क्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है? और जैसे चालीसा में भी है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर, तो और अभी इन्होंने कहा कि हनुमनुआ तो सबसे बड़ा बेटा उनको माना जाता है,
तो इनकी इनसे हमें क्या सीख मिलती है? हनुमान की कितनी भूमिका है कि राम आज रोम रोम में है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, जब पूज्य भी कर्पात्री जी ने कहा, जब प्रभु साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, हनुमान जी यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति किसी भी विपरीत परिस्थिति में, विपरीत स्थिति में पड़ जाता है, अगर एक बार हनुमान जी को सुमर ले, हनुमान जी का नाम ले ले, तो उसकी जो कष्ट दुख पीड़ा दूर हो जाता है। इसलिए दूर हो जाता क्योंकि हनुमान जी राम रसिया हैं और हनुमान जी राम धुन में मदमस्त रहते हैं। जब भगवान जाने लगे तो उनकी भी इच्छा थी कि मैं भी जाऊं, मैं भी चलूं, लेकिन परमात्मा ने उनको रोक दिया कि नहीं, अभी तुमको रहना है। इसलिए रहना है क्योंकि यह व्यवस्था सृष्टि की, समाज की, संस्कृति की, राष्ट्र की आपको देखना है। आपको इसलिए राज तिलक किया गया है, राजा बनाया गया है। आप देखिए, अगर दुनिया तक हमारी आवाज पहुंचाने के लिए सामने कैमरामैन है, आपने मुझको माइक दे दिया, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, उसी प्रकार से परमात्मा का जो काम था, परमात्मा का काम हनुमान जी महाराज करने लग गए 500 वर्ष। आपने कहा कि किस प्रकार से हनुमान जी जन जन में समाये हुए हैं, हर व्यक्ति के मन में। मैं देखता हूं, अभी मैं आ रहा था सीढ़ी से उतरने में 15 मिनट लगा, हनुमानगढ़ी के सीढ़ी से उतरने में लमसम 15 मिनट लग गया। उस 15 मिनट में कोई बजरंगबली नहीं बोला जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर व्यक्ति बोलते हुए हनुमान जी तक जा रहे थे। इसलिए जा रहे थे कि हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता हैं और नासे रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी सभी कष्टों को दूर करने वाला ऐसे निष्काम भाव के सेवक हैं। हुआ क्या कि जब प्रभु ऐसे अपने भवन में थे तो माँ आई तो भगवान मुस्कुरा दिए, भगवान मुस्कुरा दिए, तो हनुमान जी वहीं नीचे बैठकर और भगवान का चेहरा देख रहे थे, अपना भजन कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने देखा तो कहे ना, अरे मैं दिन भर इनका भजन करता हूँ और चिंतन करता हूँ, मुझको देखकर तो नहीं मुस्कुराते हैं। माँ को देखा तो तुरंत मुस्कुरा दिए, बात क्या है? तो प्रभु से तो नहीं पूछ पाए, फिर माँ के पास आए, माँ से पूछा कि मैया कौन से ऐसी बात है कि प्रभु आपको देखकर मुस्कुरा देते हैं? हमारी भी मन होता कि हमको भी देखकर प्रभु को खिलखिला के हंसे। कहने बस इतनी छोटी सी बात भाई, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति और पति और पत्नी का संपर्क संबंध क्या जान सके। तो माँ समझाए कैसे अपने बेटे को, तो माँ ने समझाया कि देखो बेटा, ये देख रहे हो, बस एक चुटकी जो सिंदूर देख रहे हो, इसको जो मैं लगा लेती हूँ, इसको देखकर प्रभु मुस्कुरा दिए, और कोई बात इन बस इतनी छोटी सी बात अभी मैं बताता हूँ। तुरंत गए माँ के कक्ष में, सिंदूर कहाँ से पावे, माँ के कक्ष में गए, उनकी जितनी साजो सामान रखी हुई थी, सिंदूर रखा था, पूरे देह में लेप कर और चले आए। पहले माँ के पास आए, माँ बहुत खिलखिला के हंसी, माँ इशारा किया जाओ प्रभु के पास। जैसे प्रभु के पास हनुमान जी आए, भगवान खिलखिला के हंस पड़े। तो वो निष्काम भाव के सेवक महाबली हनुमान, जिनके पास कोई लालसा नहीं, कोई लालसा नहीं, लालसा सिर्फ इतनी थी उनको कि भगवान देखकर मुस्कुरा दे, बाकी कोई लालसा नहीं थी। इसके नाते जन जन में हनुमान जी के प्रति निष्ठा, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा, हनुमान जी क्योंकि अजर और अमर है, माता सीता ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधिसु, तो अजरता का अमृत कर पुत्रवत आशीर्वाद दिया, तो आज कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। और हर जगह कहीं पर भी, पहाड़ पर रख दो, नदी में उनको रख दो, समुद्र में उनको कहीं किनारे पर लगा दो। आप देखो एक समय था हमारे ही हनुमानगढ़ी से गंगा सागर, कपिल मुनि भगवान का मंदिर है, इसी सरयुग के सहारे हम लोग नाई से कई सौ वर्ष पहले की घटना बता जाया करते थे जी। और वहां पर हनुमान जी महाराज को, भागरथ जी को, गंगा गंगा मैया को, महाराजा सागर को और कपिल मुनि भगवान प्रकट होते थे। और 14 को मकर संक्रांति, जो 14 जनवरी आएगा, उस पर भव्य खूब देश के कोने कोने से, कहा जाता है सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, क्योंकि वो बीच समुद्र के बीच में था, हर व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकता था, बहुत कठिन काम था। तो
वहां पर हनुमान जी महाराज समुद्र में समा जाते थे। एक दिन ऐसा मंदिर महाराजा सागर का समुद्र में समा जाता था, तो एक दिन हमारे पूर्वजों ने कहा कि वहां पर हनुमान जी को बैठा दिया जाए। हनुमान जी को बैठा दिया गया, 24 किलोमीटर का टापू है, आप समझो वो 24 किलोमीटर का टापू हो गया। तो हनुमान जी का जहां वास हो जाए, सारे कष्ट, सारे पीड़ा, सारे रोग, सारे दोष सब भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसी के नाते हर व्यक्ति हनुमान जी सरल है, सुगम है, सुनते हैं, इसके नाते हर व्यक्ति के मन में हनुमान जी के प्रति निष्ठा है, हर व्यक्ति हनुमान जी को भजते हैं। बहुत सही कहा आपने, और कहीं ना कहीं ये भी है, कहा जाता है कि जहां जहां राम का नाम श्रद्धा से लिया जाता है हनुमान कहीं आसपास ही होते हैं, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं हनुमान जी की आस्था, उनकी श्रद्धा आवश्यक है। हिज ग्रेस, बिफोर आई कम टू यू एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आई जस्ट वुड रिक्वेस्ट दोज यंगस्टर्स, समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ द गॉड संप्रदाय, व्हाट प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य हैज सेड इज नाम संकीर्तना, सो दे हैव कंपोज समथिंग फॉर राम, विद योर काइंड परमिशन आई रिक्वेस्ट देम टू परफॉर्म दैट एंड देन आई विल कम टू यू हिज ग्रेस विद योर काइंड परमिशन। राम के आने से अयोध्या पावन हुई, राम के आने से अयोध्या पावन हुई, हर तरफ हर जगह खुशियां छा गई, आओ हम सब करें वंदना राम की, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम 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 राजा राम 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 श्री राम 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 सीता राम 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 बोल राम I want to ask you from the Krishna Chaitanya Parampara or the Gaud Sampradaya, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the 16 syllable chant, jisko kaha jata hai ki bhakti movement mein, that's what it said, that the current generation may not remember the scriptures, but you do Nama Sankirtana, chant this. Hare Krishna is because of Shri Krishna Chaitanya and seen as an incarnation of Krishna. But why Rama? Hare Krishna. बहुत अच्छा धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि राम क्यों? कि श्री कृष्ण का तो चैतन्य महाप्रभु के कारण नाम आता है, तो राम क्यों है? राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। बताया गया है शास्त्रों में, जो राम श्री राम जी हैं वो मुक्ति के दाता हैं। हाँ। किसके दाता हैं? मुक्ति के दाता हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो हैं प्रेम के दाता हैं। जैसे हाँ। मुक्ति मतलब, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे हमको सब कुछ कोई परेशानी ना होके, कोई दुख दर्द ना होके, लेकिन दुख दर्द ना होना, लेकिन हमसे कोई बात करने वाला ना होके, हमसे कोई प्रेम से बात करने वाला, प्रेम से बुलाने वाला ना होके, तो उस खाने पीने या हर चीज की फ्रीडम का कोई फायदा नहीं। जैसे कोरोना पीरियड में था, सब लोग लॉकडाउन हो गए थे, और लॉकडाउन होने के कारण से लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, तो लोग क्या होता, मुक्त थे, मतलब कोई काम नहीं करना है सब, लेकिन प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा था। तो प्रेम को इस संसार में मुक्ति के लिए सभी लोग भागते हैं, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है वो प्रेम के दाता है। भगवान राम आपकी मुक्ति के दाता है, आपको इस संसार से भगवत धाम ले जा सकते हैं, लेकिन मुक्ति के साथ साथ प्रेम भी चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने मुक्ति के साथ साथ प्रेम ही दिया है। क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है ये कोई सामान्य महामंत्र नहीं है, और ये जो मंत्र है कलि संतरण उपनिषद में लिखा गया है। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोष्कम नामनम कलि कलमस नाशनम नातः परतरो उपाय सर्वेदेशु दृश्यते। ये जो 16 शब्द का नाम है, ये नाम है, हरे मतलब राधा रानी, मतलब भगवान कृष्ण को, भगवान को उनकी शक्ति के बिना कभी अलग शक्ति से अलग नहीं कर सकते। जैसे राधा कृष्ण आता है, सीता राम आता है, उसी तरह से हरा मतलब राधा रानी,
या राम में हरा मतलब सीता माता। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है उससे भगवान की शक्ति और भगवान दोनों का आह्वान करते। तो ये जो 16 शब्द का नाम है कली कलमस नास्तम, जैसे आज के युवा हैं बहुत अच्छे हैं, दे हैव वेरी गुड टैलेंट, लेकिन उनको उस टैलेंट को कोई यूज करने वाला पहचानने वाला संसार में नहीं है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, उनके अंदर ऐसे ऐसे जैसे देखिए आज इतना टेक्नोलॉजी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, कहीं ये भी कहा जाता है दैट कि राम और कृष्ण को जोड़ने वाले भी हनुमान है। जी जी, क्योंकि अर्जुन के ध्वज पर जो थे जी जी वो हनुमान थे, और वो हनुमान ही थे जिन्होंने ध्वज को रथ को नीचे दबा दिया ताकि अर्जुन का मत जी जी कटा नहीं, वो अयोध्या में सॉरी महाभारत में उसकी व्याख्या जी है जी। तो राम और वो कृष्ण के ध्वज पर इसी थे क्योंकि कृष्ण सारथी थे, इसीलिए अर्जुन के ध्वज पर वो थे। यस, भगवत गीता में बहुत अच्छा से इसका वर्णन आता है कि जहां भी भगवान राम रहते हैं वहां पर हनुमान जी न रहे ये असंभव है, असंभव है, असंभव है। इसीलिए यहाँ पर जैसे राम जी जब रावण से युद्ध लड़े थे तो वहां पर कौन आए थे, युद्ध को जिताने वाले हनुमान जी थे। हाँ। उसी तरह से यहाँ पर स्वयं भगवान राम ही कृष्ण के रूप में आए, तो भगवान जो कृष्ण है वो युद्ध कैसे जीत सकते हैं जब तक उनका परम भक्त हनुमान जी नहीं है। इसलिए जहां जहां राम आएंगे वहां वहां हनुमान आएंगे। पर ये भी कहा जाता है कि राम ने जो जो किया कृष्ण ने वो नहीं किया, पर दोनों ने धर्म के लिए किया, ये कैसे दोनों धर्म के लिए कर। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सियल प्रश्न है। लेकिन राम जी है, राम जी एक मनुष्य के रूप में कैसे कार्य करना चाहिए, एक आइडियल लीडर के रूप में कैसे कार्य करना चाहिए, एक समान एक सामान्य समाज है उसके बीच में कैसे कार्य करना चाहिए, धर्म को कैसे बांधते हुए धर्म की सीमाओं में रहते हुए कैसे काम किया जाए। तो मनुष्य को कम राम जी सिखाते हैं कि कैसे आपको मनुष्य के लेवल पर आना है। लेकिन जब मनुष्य जब वही राजा जब धूर्त हो जाए, उन राजाओं को धूर्त राजाओं को कैसे मारना है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं कि जैसे कभी कभी जो घी होता है ठंडी में नहीं निकलता है तो क्या करना पड़ता है, उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। तो कलयुग के आने से पहले द्वापर युग था, और द्वापर युग में कई ऐसे असुर आए जो बहुत टेढ़े हो गए थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग ललितम रूप है भगवान का, इसलिए टेढ़े होकर के उनको क्या किए, ऐसे ऐसे कार्य करके उनको एक जगह इकट्ठा करके भगवान क्या करते हैं, उनको छल से कैसे भी करके धर्म की स्थापना करते हैं। पर धर्मो रक्षति रक्षता। हाँ। तो यानी जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उनकी रक्षा करता है, और धर्म क्या है ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर था देवशेखर जी? आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि धर्म को हम फेथ से ना जोड़ के देखें, रिलीजन से ना जोड़ के देखें, धर्म को जीने का तरीका या जो संसार को धारण करके रखे, धारयते इति धर्म, उस हिसाब से अगर देखें तो क्या दोनों ने धर्म की रक्षा की? क्या exactly. दोनों धर्मी थे? या थैंक यू। सो आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इन इंग्लिश इट सेड दैट यू नो इफ यू गिव अ रॉन्ग इंट्रोडक्शन it's as good as not giving introduction. So let me introduce myself. So I'm Devshekhar Vishnudas. So I'm project director for ISKCON Ayodhya. On top of that, I just wanted to let you know that I'm part of the same lineage of Lord Ramchandra ji. Oh, okay. So I've also come from a Suryavanshi Kshatriya clan. And till recently, our forefathers for 500 years they have not wear the turban and shoes. So we are coming from that lineage. So I'm not here just for ISKCON. But also, it feel, you know, pleasure for us that Lord Ram, who is our forefather or ancestor, we can say whatever. So he is coming back to his lost glory. So coming back to your question. Why is it significant? It's significant because... Why was the glory lost? Because Ram too was everywhere. So why was he not there, Virajman, on his Janbhumi? Yes. If Ram was there in everyone's heart, why did this happen? And what does this return of Ramlala... to come back and sit where he was always supposed to be Virajman, what does it actually mean for us as people, as Bharat? Yes, so you have asked a very relevant question, and we have to understand the fact that even though, you know, Ram itself means who is present everywhere, you know, Lord himself expands a Garbha Daksha Vishnu and he goes and sits in every atom. So even though Lord is everywhere, but we have to understand the fact that we are not impersonalist. We are personalist. Okay, so we can, you know, all of us, you know, we are householders. We have kids. So all the kids are roaming outside. But why do you have to do progeny? Right. We need progeny so that we can call somebody our own. Yeah. So he's our son. So similarly, even though Lord is, 5,000, what happened 500 years back is what,
it doesn't it's we can say, you know, it was not I mean, we should not either, you know, it's not actually the person who follows his religion. No religion teaches us, you know, we should demolish any other's holy place. Correct. But whatever happened was not good. But again, you know, coming back to this, the fact that, you know, Lord Ramchandra is coming back again here is significant, because it signifies, you know, everything is, it signifies that Lord Ramchandra himself, who have lost somewhere, is coming back and manifesting himself again. You know, in Bhagavad Gita, Krishna says, yada yada hi dharmasya glani bhavati bharata abhyuthanam adharmasya tadatmayam srijamyam. So srijamyam means he manifests himself. So if you correlate with that, he's manifesting himself here again. So it's not, you know, we can say it's not very that, you know, it's not unrealistic that Lord cannot manifest in this form. Lord can manifest. And we can say Lord have taken avatar once again here. Yeah, because Krishna also says paritranaya cha sadhuna vinashaya cha dushkritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. So if I were to ask you that, to आज कौन से धर्म की स्थापना होने वाली है बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग कॉन्शियसनेस इन भारत? क्या एक परिवर्तन उस लिहाज से आ रहा है जहां भारत अपने आप को फिर पा लेगा? Exactly. एक सिविलाइजेशनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं. Yes. कि हम एक सभ्यता है, वो सभ्यता उस सभ्यता का ज्ञान क्या अब हमें हो रहा है? जी बिल्कुल. तो आपका जो प्रश्न है कि धर्म की संस्थापना का अर्थ क्या है, तो प्राय धर्म की संस्थापना का अर्थ हम मारकाट समझते हैं. तो मारकाट एक पार्ट है. तो जब जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में जब प्रकट हुए, एक्चुअली जन्म कहना कई बार जन्म कह देते हैं. तो भगवान भगवदगीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमी दिव्यम एमो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन. सो अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्राकट्य को समझ ले, प्राकट्य का अर्थ भगवान जो है कभी सामान्य बालक की तरह माँ के गर्भ में रह करके रक्तमास मज्जा के मध्य में नहीं आते, वो जब भी आते हैं वो प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में. और तुलसीदास जी भी लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला. तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनका मूलभूत उद्देश्य होता है दुष्टों का संहार करना. लेकिन उसके पहले बोलते हैं परित्राणाय साधु नाम. सो साधु है जो भक्त होते हैं उनको आनंद देने के लिए. तो जैसे अगर भगवान की लीलाएं ना होती, जैसे राजूदास जी ने कहा, कारपात्री महाराज ने लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया, तो अगर लीलाएं ना हो तो भक्त आस्वादन क्या करेंगे? तो भगवान का मूलभूत उद्देश्य भक्तों को आनंद देना है. राक्षसों को मारना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है. भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में निवास करते हैं. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली गेट आउट ऑफ दिस बॉडी. Person is dead. तो उनको मारना नहीं, लेकिन लीलाएं नहीं करेंगे तो उसका आस्वादन भक्त कैसे करेंगे? और भगवद गीता भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत श्यामाम नित्यम तुष्यंती च रमंती च ओतम प्रोतम. वी हैव टू गेट, यू नो, एंग्रॉस इन टू दैट. दैट इज वॉट भक्ति इज ऑल अबाउट. सो सिमिलरली व्हेन कम टू धर्म, सो धर्म डज नॉट मीन कि सिर्फ इट्स अ पार्ट ऑफ रिलीजन. धर्म रिलीजन जो है एक मिक्स शब्द है. एंड अगर आप डिक्शनरी में देखें तो रिलीजन कैन बी क्लासिफाइड एज काइंड ऑफ फेथ. लेकिन धर्म जो है वो फेथ नहीं है. धर्म इज समथिंग विच विल नॉट चेंज. एंड जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, व्हाट एवर इक्विपमेंट्स वी ब्रिंग, उसके साथ वी गेट अ मैनुअल. उसके साथ एक हमें निर्देशिका, निर्देश पत्रिका मिलती है जिसमें ये बताया जाता है कि जीवन को कैसे चलाना है. या ये टीवी है तो उसमें बताया जाता है कि हाउ टू ऑपरेट इट, हाउ टू रन इट, ऑपरेट करने के लिए. तो अगर उस मैनुअल का पालन करेंगे हम तो चीजें सुचारू रूप से चलेंगी. तो धर्म की संस्थापना का अर्थ क्या होता है कि भगवान हमें वो नियमावली, वो निर्देशिका बताते हैं जिससे मनुष्य जीवन को हम किस तरह से निर्वहन कर पाए. हिंदी भाषा में दो शब्द होता है, अनुकरण और अनुसरण. तो भगवान की लीलाओं का हमें अनुकरण नहीं कर सकते, हम उनका अनुसरण कर सकते हैं. और जब हम अनुसरण करेंगे तो भगवान जो धर्म के निर्देश को बताए हैं उस निर्देश पर हम चलेंगे तो मनुष्य जीवन हमारा सुचारू रूप से चलेगा. तो जैसे हम सारे लोग शांति प्राप्त करना चाहते हैं तरह तरह से इससे, लेकिन भगवद गीता जो है मनुष्य का मैनुअल है या रामायण जो है एक मनुष्य का मैनुअल है. तो भगवद गीता भगवान कहते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञत्वा माम शांति रक्षति. सो हाउ वन विल गेट पीस व्हेन समबडी अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, थ्री फैक्ट्स. व्हाट, कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, आई एम द सुप्रीम एंजॉयर. तो जो भी हम कार्य करते हैं उसे भगवान को समर्पित करना, भगवान रामचंद्र जी को. ठीक है, यज्ञ सर्वलोक महेश्वरम, आई एम द प्रोपाइटर ऑफ एवरीथिंग. तो अगर आप वर्तमान समय पे देखिए इतने सारे युद्ध चल रहे हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि युद्ध जो चल रहे हैं वो उसका कोई वो यूजलेस युद्ध है, क्योंकि ये जो धरती है ये हमारे आने से पहले भी थी और हमारे जाने के बाद भी रहेगी और आगे भी रहेगी. तो हम नहीं रहेंगे, तो इसका प्रोपाइटर कौन है? भगवान ही है. और सुहृदम सर्वभूतानाम, तो थर्ड पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, दैट लॉर्ड इज द वेल विशर ऑफ एवरीवन.
तो हम सोचते हैं कि भगवान सिर्फ मनुष्यों के लिए है ना, लेकिन अगर हम देखें भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तिय तासं ब्रह्ममहद्योनि अहम् बीज प्रजापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द एवरी स्पीशीज ऑफ लाइफ, अहम् बीज प्रजापिता प्रजापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर. नाउ व्हेन यू से आई एम द सीड गिविंग फादर, दैट मींस व्हाट? लॉर्ड इज कंपैशनेट टू एवरीवन, एंड व्हेन ही केम इन फॉर्म ऑफ लॉर्ड राम ही शोड दैट कंपैशन. द ग्रेट एग्जांपल इज जटायु. करेक्ट. सी हाउ जटायु, तो हम कहते हैं भगवान सिर्फ मनुष्यों के योनि में आते नहीं, सारी योनि में आते, सबको प्रेम करते हैं. तो आप देखिए कि वो राम जिन्होंने अपने पिताजी का दाह संस्कार नहीं किया, उन्होंने एक पक्षी का दाह संस्कार किया, उसे अपने जंघे पर बिठा करके उसका दाह संस्कार किया. तो आप हम भगवान को रामचंद्र जी को किसी जाति पंथ इससे नहीं बांध सकते. और जब धर्म की बात करते तो धर्म वो चीज है जो कभी बदली नहीं जा सकती. बात घुमा के मैं वापस राम पर ही लेकर आऊंगा. और मैं ये कहूंगा कि अगर आप राम की दिनचर कारपत्री महाराज जी एंड आई थिंक फाइनल राउंड ऑफ कॉन्वर्सेशन यहां से लेकर के राजूदास जी तक, कि प्रभु श्री राम ने हमेशा दर्द ही झेला, यानी पीड़ा उनके जीवन में पूरा अगर आप देखें सिर्फ पीड़ा ही थी, फिर भी वो अपनी लाइन को नहीं छोड़े, यानी धर्म को नहीं छोड़े. ऐसा क्यों? और क्या ये आज के समाज में पॉसिबल है, करना पॉसिबल है? और राम राज्य की कल्पना उस युग में की जा सकती थी जब शायद राम थे, जब राम थे, आज क्या हम कर सकते हैं उसकी कल्पना? हाँ, ऑन है सर, ऑन है. हेलो, आपने तो इतनी अच्छी बात पूछ लिया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था आप इतनी गहराई तक जाएंगे. जब भगवान श्री राम जी का प्राकट हुआ, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुरभोपा, माँ कौशल्या कर रही हैं कि आप रो नहीं, हो गया, मैं समझ गया कि आप बच्चे हैं, रोना चाहिए. लेकिन राम ने कहा कि मैं चुप नहीं रहूंगा. सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुरभोपा, तो हमने प्रभु से कहा कि अब थोड़ा सा रो लिए, अब क्यों रोने का आवश्यकता है? तो प्रभु राम ने कहा था कि जब तक मैं नहीं आया था तब तक संसार के लोग रो रहे थे, अब मैं आ गया हूं, अब संसार में किसी नहीं रो रहा है, रोना मत मुझे. क्या बात, वाह. जब तक मैं नहीं आया था तब तक तो लोग रो रहे थे, अब मां मैं आ गया हूं, क्या इसके बाद भी प्रजा रोएगी? अब तो रोने का काम मुझे करना है. सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वह बालक सुरभोपा, ये परमात्मा का चरित्र है. और परमात्मा ने सिखा भी, आप बोल रहे थे ना धर्म की बात कर रहे थे, परमात्मा के पास पहुंचने का एक तरीका धर्म है. परमात्मा के पास पहुंचने का एक तरीका धर्म है, और उसको पहुंचाने के लिए संत काम करता है. यानी संशय इतियंत है, यशसः संत है. जब आप मेरे पास बैठे हैं और कोई शंका आपका हो, आप पूछिए नहीं, अगर उसका अंत हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके पास कोई संत बैठा है. संशय इतियंत है, यस से संत है, संत है. अदरवाइज यू नो से यस ए आई एन टी सेंट, अदरवाइज यू नो यस ए आई एन टी सस्पेंशन एब्सोल्यूट इंट्रोड्यूस टू न्यू टैलेंट इन नॉन एसेंट. सस्पेंशन एब्सोल्यूट इंट्रोड्यूस टू न्यू टैलेंट इज नोन एज सेंट. यानी आपके शंकाओं का समाधान करके परमात्मा के चरणों में जो अनुराग पैदा कर दे वो समझो संत है. तो मेरे प्रभु राम, अभी आपने हमारे राजू जी से बड़े अच्छा प्रश्न पूछा, मैं जीता जाता उदाहरण हूं. 84 में जब राम जन्मभूमि का ताला खुला, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्य पाद नित गोपालदास, जगत गुरु हरियाचार्य, कृपा शंकर आचार्य, तमाम जैसे संत जब छोटी छावनी से मजीरा बजाते हुए चले राम जन्मभूमि जाने के लिए, मैं गवाह हूं 84 का, और हनुमानगढ़ी पे हम लोग पहुंचे तो हनुमानगढ़ी से कम 500 बंदर हनुमानगढ़ी के ऊपर से कूदे और हम लोगों के हाथ से मजीरा छोड़ लिया. हम लोग बिना मजीरा के जन्मभूमि के पास पहुंचते हैं, उससे पहले ये 500 बंदर राम जन्मभूमि में मजीरा बजा रहे थे. अरे बाप, ये मेरा दृष्टांत है. दूसरा दृष्टांत, अयोध्या के हनुमानगढ़ी पे कुकर बम छोड़ा गया आतंकवादियों के द्वारा. 3 कुकर में बम छोड़ा गया जी.
रिफ्यूज स्क्वाड के पुलिस ऑफिसर आए, मात्र 6 सेकंड बाकी था, मात्र 6 सेकंड बाकी था, कोकर बम जो है विस्फोट होने वाला था। और ऊपर वाले पहुंचे कलश के पास तो देख रहे थे एक बंदर दोनों तारों को दांत से डिस्पोज कर दिया। ये अयोध्या हनुमानगढ़ी को हनुमान जी ने बचा लिया। तीसरा उदाहरण जिसका मैं जागरण हूं, अयोध्या में 5-5 आतंकवादी आए, सदगुरुदेव डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कहा करपात्री क्या कर रहे हो, मैंने कहा पूजा करना, रहे छोड़ पूजा, 5-5 आतंकवादी पहुंच गए हैं रामलला के ऊपर, वेद मंदिर के पास मैं पहुंच गया हूं और तुम मेरे पास मत पहुंचो, तुम दौड़ो सीधे जाओ हनुमानगढ़ी पे, हनुमान से कहो अगर एक भी बम फूट गया तो निश्चित तौर से हनुमानगढ़ी पे कोई लड्डू नहीं चढ़ाएगा, ये मान लूंगा कि अयोध्या में हनुमान जी नहीं है। मैं दौड़े दौड़े नंगे पांव पहुंचा हनुमानगढ़ी के चौकटे पे, सर रख दिया, रोंगटे खड़े हो गए। हमने कहा हनुमान जी आज ये पांचों आतंकवादी आए हैं, यदि एक भी बम फूट गया तो मैं यहाँ बैठ कंसर करूंगा, इस हनुमान जी को एक भी लड्डू मत खिलाना, अयोध्या में केवल मूर्ति है, ये हनुमान जी नहीं है, सच बताओ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी स्फूर्ति हुई, जागृति हुई, एक ऐसी भावना आई, अरे दौड़ो दौड़ो, तुम जाके दौड़ो, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, जाके देखो, जब तक मैं हनुमानगढ़ी बैठा हूँ एक बम नहीं फूटने पाएगा, पांचों आतंकवादियों को मैं मारूंगा। वहां से दौड़े दौड़े वेद मंदिर के पास आया और मेरे सामने पांचों के पांचों आतंकवादी अपने ही बम से चथड़ी चथड़ी उड़ गए। कौन कहता कि अयोध्या हनुमान जी नहीं बन पाए? मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं, प्रत्यक्ष बोल रहा हूं, खुले मन से बोल रहा हूं, जिसको मैंने देखा है। और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए वहां धर्म की आवश्यकता नहीं, सर्वधर्म परित्यज्यम, सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम ब्रज। प्रभु कहते हैं कि मेरे पास पहुंचने के बाद, मेरे पास पहुंचने के बाद आपको धर्म की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे भगवान लाल कृष्णा क्या है, अच्छे हैं, भागवत पढ़िए, 16108 नारियों के पति हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। अब पता है आपको आरटी एंड वेन्स इंक्लूड पल्मरी, आरटी एंड वेन्स इंक्लूड पल्मरी इन द ह्यूमन बॉडी। हाँ जी। आदमी के शरीर में 16108 नाड़ियां पाई जाती हैं। आरटी एंड वेन्स इंक्लूड पल्मरी फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। 16108 सिरा और धमनी नाड़ी जो है आदमी के शरीर में पाया जाता है, और उस सिरा 16108 नाड़ियों को कंट्रोल करने वाले हट में बैठे हुए लॉर्ड कृष्णा है, लॉर्ड कृष्णा है। हृदय में बैठ करके 16108 नारियों को जो चलाने वाले कौन है, भगवान लाल कृष्णा है। तो लेकिन एक चीज है, निवेदन करना चाहता हूँ, क्षमा करेंगे, अब जो है शायद कृष्ण की आवश्यकता है। कारण है एक वृंदावन का बाबा आया यहाँ पे, लोगों ने वो कृष्ण कहीं जप रहा था आपकी तरह, यहाँ कहना भाई क्या बात करती है, रामा रामा जपो, रामा रामा जपते जपते कुछ दिन गया, फिर पहुंचा वृंदावन, वहां रामा रामा भगवान कृष्ण मिल गए, चुप यहाँ कृष्णा कृष्णा जपो, कहे क्यों कृष्णा जपू, ने आपको खड़ा होने का तरीका है, पेड़ खड़ा होते हैं नाम भी खड़ा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक काम करो बाबा, एक हमको स्नान कराओ, कुएं पे बैठ गए, एक बाल्टी स्नान करने लगा और बाल्टी टूट गया, बाल्टी कुएं में गिर पड़ा, तो कैसे निकाला जाए। पहले के जमाने में बाल्टी निकालने के लिए एक कांटे की आवश्यकता थी, रस्सी बांध करके डाला जाता था तो गगरा या बाल्टी निकला था, एक रस्सी लिया कांटा मंगाया और नीचे से गगरा निकाल दिया। किसने कहा समझे, कहे नहीं, कहे भगवान सीधे साधे हैं, वो नहीं निकाल पाएंगे, कलयुग में तो हमारे से कांटे की आवश्यकता होती है, इसे निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। इस नाते मैं निवेदन करता हूँ, आज 500 साल तक जो हमने झेला है ये मेरी कमजोरी है, मैं संतों से कहना चाहता हूँ, इन लोगों से कहना चाहता हूँ, खुले मन से कहना चाहता हूँ कि आप मंदिर में बैठ करके जो है यज्ञ कराइए और खूब राम नाम का जाप कीजिए, खूब स्तुति कीजिए, ओम शांति वहां कीजिए, लेकिन जब बाहर निकलिए, जब मेरे कृष्ण के ऊपर, मेरे राम के ऊपर, मेरे वंदे मातरम के ऊपर, मेरे भारत माँ के ऊपर कोई उंगली उठावे तो ओम शांति वही छोड़ करके नौजवान इकट्ठा होकर बोलिए, अब ओम शांति नहीं, अब देश के लिए मुझे बोलना पड़ेगा, ओम क्रांति की आवाज होगी, तब
कोई मंदिर नहीं टूटेगा, तब कोई मंदिर नहीं टूटेगा, एक हाथ में माला हो और एक हाथ में भाला हो, ऐसा हिंदुस्तान का रखवाला होना चाहिए। हमारे देवी देवता भी ऐसे ही है, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, तो ये भाव तो जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सशक्त नहीं होंगे तब तक आप वहां पर शांति नहीं ला सकते। ये तो थियरी और आर्ट ऑफ वॉर भी है। महंत राजूदास जी, अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अंतिम प्रश्न है, समय अल्प है, और हमारे वहां चेकमार्क के जो युवा हैं वो भी बहुत आतुर होकर सुन रहे हैं, लेकिन एक घंटे से उनको हमने खड़ा भी रखा है, तो एंड भी उन्हीं से आरंभ उनसे किया था, अंत भी उनसे करेंगे, पर जाते पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये 22 जनवरी का दिन और इस मंदिर के साथ क्या आप भारत के भविष्य को भी जोड़कर देखते हैं? अब मुझको लगता है 22 जनवरी सांस्कृत आजादी के वो दिन है, वो पल है, वो क्षण है, वो अवसर है, भूतो न भविष्यति, जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था, इतनी कल्पना किया था कि आज उनके कल्पना मात्र से ही एक स्फूर्ति जगी, जिसका प्रणाम स्वरूप है कि आज विक्रमादित्य के रूप में मोदी जी आ गए और स्वामी विवेकानंद के रूप में योगी जी आ गए। आप समझ सकते हो जो यह कहता हो सनातन मतलब डेंगू है, कोरोना है, मलेरिया है, टाइफाइड है, यह कहता हो हिंदू मतलब चोर, नीच, पापी, भारत में ही संभव है, सनातन में ही संभव है। किसी को दम हो, मैं डंके की चोट पे कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, किसी को दम हो तो अन्य धर्म के बारे में बोल के दिखा देना, नहीं बोल सकता है, बोलने लायक नहीं रहेगा। मैं अभी सनातन को गाली दूंगा तो सबको माला पहना देगा, अरे वाह बाबा क्या बात है, बहुत बाबा बहुत सेकुलर है। जैसे अगर अन्य धर्म के बारे में बोलूं गेट से बाहर निकलूंगा दूसरे दिन बम धमाका मैं उड़ जाऊंगा। सांस्कृतिक आजादी के दिन ऐसे फ्री में नहीं मिला, उसको याद करना पड़ेगा। ओम क्रांति के साथ ओम शांति तो बहुत हो गया। इसके नाते यह भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर, वो दिन भारत का दशा और दिशा 22 जनवरी के बाद चेंज हो जाएगा। जिनकी मानसिकता देखिए, लोग यात्रा शुरू कर दिया, आप देखो जब उस दिन जिस दिन भूमि पूजन था उस दिन लोगों ने त्रिपाल टेंट पहनकर वो धरना पे बैठे। मैं पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तो आप अपेक्षा आप हमसे करते हो कि कॉपीराइट भगवान राम पे बाबाओं का नहीं, भगवान राम सबके हैं, सही भगवान राम सबके हैं, सिर्फ साधु तोड़े गए। जितना अनुराग, जितना प्यार, जितना प्रेम हम भगवान राम से करते कहीं ज्यादा आप करते हो, क्योंकि आप सतगृहस्थ हो, भगवान कितनी कृपा, हम तो साधु हैं, दिन रात भजन करते ही हैं, उनका काम है खिलाना, क्योंकि हम साधु हम कहीं जाएंगे नहीं, हम उन्हीं के सहारे हैं, तो उनका काम ही है। लेकिन आप इस प्रलोक में जिस प्रकार से इतने सारे झंझावात में व्यस्त हो उसके बाद परमात्मा की याद करते हो, तो विशेष स्नेह तो आपको पर परमात्मा का है। फिर भी देखिए जिस प्रकार से इन खर्यंतकारियों ने, ये कुधर्मियों ने सनातन को बांटने का प्रयास किया, काला कपड़ा पहनकर धरना पे बैठ गए। एक तरफ तो कहते हो कि नहीं भगवान राम हमारे, अरे आपके हैं रहेंगे, ये नहीं कहते आपके नहीं है, लेकिन आप उस चीज को कम से कम, जब हम विपरीत परिस्थिति में थे, जब हम आपसे कहते थे, निवेदन करते थे, पूज करपात्री जी हैं, हम लोग रोज 60 में खत्म कर रहा हूं, रोज हम लोग चिल्लाते थे आपके तमाम कैमरामैन रहते थे कि नहीं डे टू डे सुनवाई होगा, अरे मंदिर खाने देगा क्या, यहाँ हॉस्पिटल बना दो, सुलभ कॉम्प्लेक्स बना दो, अरे राम राम मैं बात बोल नहीं सकता, शौचालय बना दो, कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है। आज वो कहता है मुझको निमंत्रण नहीं दिया गया, ट्रस्ट ने दे दिया तो वो कह रहे हम नहीं आएंगे, कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो ऐसे कालनेमियों से मैं पुनः निवेदन करूंगा, ऐसे कालनेमियों से सावधान होने की आपको जरूरत है, हमको नहीं, हम तो अब ओम क्रांति करने लगे शांति कर, आपको करना है, आपको ऐसे कालनेमियों से सतर्क होने की जरूरत है, नहीं तो कुर्ते ऊपर से जनेऊ दिखाने लगेंगे, ये कहने लग जाते हैं मंदिर नौजवान लड़की छेड़ने के लिए जाते हैं, एक अब बताओ रामचरितमानस भारना जलाना उत्तर प्रदेश में, जहां पर लाखों साधु संत ऋषि मुनि महात्मा, ऐसे प्रदेश में रामचरितमानस प्रतिबंध और फाड़ने की बात करना, ऐसे प्रदेश में किसी कार्यालय में गीता को फाड़ना, गीता को जलाने की बात करना, अरे राम राम सीताराम, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राम। पर ऐसा कहते हैं ना कि जब तक अंधकार नहीं होगा तब तक प्रकाश की कीमत, प्रकाश की व्याख्या नहीं होगी, तो वैसा ही है कि जब तक ऐसे तत्व नहीं होंगे तब तक कोई रामचरितमानस उठाएगा नहीं, उसके बारे में जानेगा नहीं और उसको पढ़ेगा नहीं, तो दोनों की आवश्यकता है। आप बस सबको सद्बुद्धि का आशीर्वाद दीजिए, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि सबको सद्बुद्धि मिले। पर वन थिंग बिफोर वी एंड, हाँ जी प्रभु, आपने एक प्रश्न किया, ये 22 जनवरी को होंगे लिया गया है, तो इसका उत्तर मानस से ले लीजिए, ये 22 क्यों रखा गया है,
सुमति भूमि थल हृदय अगाधो वेद पुराण उदधि घन साधो। 18 पुराण 4 वेद, क्या हो गया 22। इस नाते तिथि 22, तिथि 22, क्योंकि 18 पुराण 4 वेद के स्वरूप में राम जी हैं और जनवरी इस नाते हैं कि परमात्मा आ रहे हैं, वो करें कि शांत रहो, कोई बरी नहीं होने पाएगा, हम सबके घर आएंगे। इस नाते ये क्या है जनवरी। लेकिन मैं यहाँ पे आए हैं, प्रार्थना करता हूँ आप सबसे कि 2-4-6 दिन यहाँ रुकें और गेस्ट हाउस में मत रुकें, टेंट में मत रुकें, कनक भवन के यहाँ जाएं और कनक भवन सरकार के यहाँ पड़े रहें। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिय राम जी बिराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। ये बच्चे गा नहीं पा रहे हैं, यहाँ के लौकिक गीत है। जी जी बिल्कुल, मैंने उनसे कहा था चलिए लेट्स एंड दिस, बहुत ही मजेदार कॉन्वर्जेशन हुआ। नाम संकीर्तन भी एक रह गया है, बाकी रह गया है, पर आज समय अल्प है तो इसीलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। थैंक यू, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।